क्या आप अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाते हो, या फिर शोल्डर को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हो, या फिर आप कोई भी और हेड एक्टिविटी करते हो, आपके शोल्डर जॉइंट में कट कट की आवाज़ यानी कि क्रैकिंग साउंड शुरू हो जाते हैं, और अगर आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप ये शोल्डर जॉइंट में जो कट कट की आवाज़ आती है, जो क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई देते हैं, इनका इलाज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर यह शोल्डर जॉइंट में आवाज आने का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे शोल्डर जॉइंट का फॉल्टी अलाइनमेंट। हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वह बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। यहाँ पर जो हमारा शोल्डर ब्लेड जिनको स्केपुला बोला जाता है वह सॉकेट बनाता है, और जो हमारा ह्यूमरस बोन है इनका जो हेड होता है वह इस तरीके से बॉल बनाता है, यह बॉल इस तरीके से सॉकेट के अंदर स्मूथली मूव करता है। यहाँ पर इस तरीके से बॉल की स्मूथ मूवमेंट सॉकेट के अंदर होती है, पर यहाँ पर यह स्मूथ मूवमेंट के लिए हमारा जो यह सॉकेट यानी कि जो स्केपुला है इनका सही अलाइनमेंट होना जरूरी है, और ये इनके सही अलाइनमेंट के लिए आसपास के सभी मसल को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, तभी जाके ये हमारा सॉकेट यानी कि स्केपुला सही अलाइनमेंट में रहेगा और हमारा जो बॉल है वह सॉकेट के अंदर स्मूथली मूव कर पाएगा। अगर आपके यह स्केपुला के आसपास के जो मसल्स होते हैं वह वीक हो गए, फिर हमारा जो यह स्केपुला है इनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वह इस तरीके से आगे आ जाता है, फिर आपका जो हेड है यानी कि जो बॉल है वह सॉकेट के अंदर स्मूथली मूव नहीं कर पाता है, वह सॉकेट में अलग अलग जगह पे इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाता है, फिर आप कोई भी ओवर हेड एक्टिविटी करते हो आपके शोल्डर जॉइंट में कट कट की आवाज़ यानी कि क्रैकिंग साउंड शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो यह सॉकेट है यानी कि जो स्केपुला है इनके आसपास के मसल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो यह हमारा सॉकेट यानी कि स्केपुला सही अलाइनमेंट में इस तरीके से आ जाएगा, फिर आपका यह बॉल अच्छी तरीके से स्मूथली मूव कर पाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं 5 सिंपल सी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह जो स्केपुला है इनका अलाइनमेंट सही कर सकते हो, तो ये सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दिनल, यहाँ पर कुल हमें 5 एक्सरसाइज करनी है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है इनके लिए हमें इस तरीके से हाथ को बाजू पर रख के खड़े हो जाना है, या फिर आप यह एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हो। तो पहले आपको दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है, खींच के 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद छोड़ देना है, वापस से शोल्डर को खींचे, इनके साथ आप दोनों हाथ को इस तरीके से बाहर घुमा भी सकते हो, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना, इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करने हैं, शोल्डर को खींचना है फिर दोनों हाथ को बाहर घुमाना है। तो यह हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से दोनों हाथ को हमारे टमी के आगे पीछे रख देना है, इनके बाद दोनों हाथ को ऐसे बाहर खोलना है और दोनों एल्बो को ऐसे पीछे ले जाना है, दोनों शोल्डर को पीछे अच्छी तरीके से खिंचाव देना है, यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद फिर दोनों हाथ को इस तरीके से आगे वापस टमी के सामने लाना है, वापस से पीछे खींचिए, दोनों हाथ को बाहर ले लीजिए, एल्बो को पीछे लाना है, शोल्डर पीछे, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है, इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथ की सभी फिंगर को इस तरीके से इंटरलॉक कर देना है, यहाँ पर आपके दोनों हाथ फ्लोर के पैरेलल रहने चाहिए, इस तरीके से आपको दोनों हाथ को पकड़ना है, फिर दोनों हाथ को अच्छी तरीके से आमने सामने खींचना है, आपके शोल्डर नॉर्मल रहने चाहिए, आपको जो स्केपुला होता है वहाँ पर आपको खिंचाव फील होना चाहिए, इस तरीके से खींचिए, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है, वापस से दोनों हाथ को आमने सामने खींचिए, शोल्डर नॉर्मल रहेगा, पीछे की साइड पर आपको खिंचाव फील होगा, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है, इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज में दोनों हाथ को इस तरीके से बाजू पर रख देना है, एल्बो को 90 एंगल पर बेंड करना है, इनके बाद पहले दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे बाहर घुमाना है, एल्बो आपको आपका आपके बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, 10 काउंट होल्ड फिर दोनों हाथ को इस तरीके से अंदर लाना है, शोल्डर को पहले खींचिए
फिर दोनों हाथ को बाहर घुमाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की फिफ्थ और आखिरी एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथ को इस तरीके से बाजू पर रखना है। पहले दोनों हाथ को इस तरीके से बाहर घुमाना है, सोलो को पीछे खींचना है, इनके बाद फिर दोनों हाथ को इस तरीके से ऊपर उठा के ले जाना है, ऊपर लाना है, दोनों सोलो को पीछे खींच के रखना है। यहाँ पर आके थोड़ी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे हाथ को इस तरीके से नीचे लाना है। थ्रू आउट मूवमेंट आपका शोल्डर अच्छी तरीके से पीछे खींचा हुआ रहना चाहिए। फिर यहाँ पर आके आपको हाथ को अंदर घुमा देना है। पहले हाथ को बाहर घुमाइए, शोल्डर को पीछे खींचिए, इनके बाद दोनों हाथ को इस तरीके से ऊपर उठा के लाना है। यहाँ पर आके थोड़ी देर रुकिए, फिर हाथ को इस तरीके से नीचे लाना है। 10 रिपीटेशन आपको करना है। तो यह 5 एक्सरसाइज हमें करनी है। सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। जो पहली एक्सरसाइज, इसमें हमें दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। दूसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ को इस तरीके से टमी के सामने रख के फिर दोनों हाथ को बाहर ले जाना है, एल्बो को पीछे लेना है, शोल्डर को खींच के रखना है। तीसरी एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करना है, फिर आमने सामने खींचना है, आपके दोनों हाथ फ्लोर के पैरेलल रहेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में दोनों हाथ को इस तरीके से 90 एंगल पर एल्बो में से बेंड करना है, शोल्डर को पीछे खींचना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे बाहर घुमाना है। और फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें हाथ को ऐसे बाहर ले जाना है, पहले हाथ को घुमाना है, शोल्डर को पीछे लाना है, इनके बाद फिर हाथ को ऐसे ऊपर उठा के ले जाना है, फिर इस तरीके से नीचे लाना है, नीचे ला के हाथ को अंदर घुमा देना है। तो यहाँ पर हमने जो 5 एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह स्केपुला का अलाइनमेंट सही करके शोल्डर जॉइंट में जो कट कट की यानी कि क्रैकिंग साउंड आपको सुने देते, इनका इलाज घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।